प्रो कबड्डी सीजन 8 में कुल यहाँ पे 37 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं एंड यहाँ पे सभी ऑल 12 टीम्स ने यहाँ पे अपने 6-6 मैचेस कंप्लीट कर लिए एंड टोटल 37 मैचेस कंप्लीट होने के बाद रेड पॉइंट्स के मामले में टॉप 10 रेडर्स आखिर कौन है, कौन से रेडर के पास सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स है। तो गाइस वीडियो होने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। सो गाइस बिना देरी के एक और नए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो यहाँ पे फटाफट मैं आपको लिस्ट बता दूं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 10 की, तो गाइस यहाँ पे लिस्ट में नंबर 10 पे है अभिषेक सिंह। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक सिंह यूम्बा की टीम की तरफ से खेल रहे हैं। इन्होंने टोटल 6 मैचेस खेले, इन 6 मैचेस में से इनके पास टोटल 44 रेड पॉइंट्स है एंड 44 रेड पॉइंट के साथ अभिषेक सिंह नंबर 10 पे है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 9 की, तो गाइस यहाँ पे नंबर 9 पे है राकेश नरवाल। जी हाँ दोस्तों, राकेश नरवाल गुजरात जायंट्स की टीम की तरफ से खेल रहे हैं। इन्होंने भी टोटल 6 मैचेस खेले, इन 6 मैचेस में से इनके पास टोटल 44 रेड पॉइंट्स है। इन 44 रेड पॉइंट के साथ राकेश नरवाल लिस्ट में नंबर 9 पे है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 8 की, तो गाइस यहाँ पे लिस्ट में नंबर 8 पे है प्रदीप नरवाल। जी हाँ दोस्तों, प्रदीप नरवाल यूपी ओदा की टीम की तरफ से खेल रहे हैं। इन्होंने भी टोटल 6 मैचेस खेले, इन 6 मैचेस में से इनके पास टोटल 44 रेड पॉइंट्स है एंड 44 रेड पॉइंट के साथ प्रदीप नरवाल नंबर 8 पे है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 7 की, तो गाइस यहाँ पे लिस्ट में नंबर 7 पे है मोनू गोयत। जी हाँ दोस्तों, मोनू गोयत पटना पायरेट्स की टीम की तरफ से खेल रहे हैं। इन्होंने भी टोटल 6 मैचेस खेले, इन 6 मैचेस में से इनके पास टोटल 44 रेड पॉइंट्स हैं एंड 44 रेड पॉइंट के साथ लिस्ट में नंबर 7 पे है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 6 की, तो गाइस यहाँ पे लिस्ट में नंबर 6 पे है मनजीत। जी हाँ दोस्तों, मनजीत तमिल तलवार की टीम की तरफ से खेल रहे हैं। इन्होंने भी टोटल 6 मैचेस खेले, आखिरी मैच तो नहीं खेला था लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट में थे तो मैच यहाँ पे काउंट होने वाला है। इनके पास टोटल 45 रेड पॉइंट्स है एंड 45 रेड पॉइंट के साथ मनजीत अब भी नंबर 6 पे है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 5 की, तो गाइस यहाँ पे लिस्ट में नंबर 5 पे है वी अजीत कुमार। जी हाँ दोस्तों, वी अजीत कुमार यूम्बा की टीम की तरफ से खेल रहे हैं। इनके पास टोटल 51 रेड पॉइंट्स हैं एंड 6 मैच में इनके पास 51 रेड पॉइंट्स हो चुका है एंड 51 रेड पॉइंट के साथ वी अजीत कुमार लिस्ट में नंबर 5 पे है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 की, तो गाइस अब लिस्ट में नंबर 4 पे है मनिंदर सिंह। जी हाँ दोस्तों, मनिंदर सिंह बंगाल वॉरियर्स की टीम की तरफ से खेल रहे हैं। इन्होंने टोटल 6 मैचेस खेले, इन 6 मैचेस में से इनके पास टोटल 72 रेड पॉइंट्स है एंड 72 रेड पॉइंट के साथ मनिंदर सिंह लिस्ट में नंबर 4 पे है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 3 की, तो गाइस अब टॉप 10 रेडर्स के लिस्ट में नंबर 3 पे है अर्जुन देसवाल। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन देसवाल जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम की तरफ से खेल रहे हैं। इन्होंने टोटल 6 मैचेस खेले, इन 6 मैचेस में से इनके पास टोटल 81 रेड पॉइंट्स हैं एंड 81 रेड पॉइंट के साथ अर्जुन देसवाल टॉप 10 रेडर्स के लिस्ट में नंबर 3 पे है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 की, तो गाइस अब टॉप 10 रेडर्स के लिस्ट में नंबर 2 पे है पवन कुमार सहरावत। जी हाँ दोस्तों, पवन सहरावत बेंगलुरु बुल्स की टीम की तरफ से खेल रहे हैं एंड इन्होंने टोटल 7 मैचेस खेले, इन 7 मैचेस में से इनके पास टोटल 90 रेड पॉइंट्स है एंड 90 रेड पॉइंट के साथ पवन कुमार सहरावत टॉप 10 रेडर्स के लिस्ट में नंबर 2 पे है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 1 की, तो गाइस यहां पे टॉप 10 रेडर्स के लिस्ट में नंबर 1 पे है नवीन कुमार। जी हां दोस्तों, नवीन कुमार ने कुल यहां पे 6 मैचेस खेले, इन 6 मैचेस में से इनके पास टोटल 106 रेड पॉइंट्स है एंड 106 रेड पॉइंट के साथ नवीन कुमार के पास अभी सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स है। टोटल 37 मैचेस कंप्लीट होने के बाद अभी फिलहाल सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स नवीन कुमार के पास है। एंड आपके फेवरेट रेडर क्या इस टॉप 10 के लिस्ट में है कि नहीं, बड़ा आप कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर है तो कौन सा रेडर है ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड अगले 4 मैचेस के बाद क्या ये लिस्ट चेंज हो सकता है, क्या टॉप 3 में यहाँ पे कोई और प्लेयर्स आ सकता है, कौन आ सकता है, आप भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो गाइस वीडियो को भी पैन करते हैं, वीडियो आपको थोड़ी पसंद आए इसको को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जोड़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं कौन है इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।